गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम गौरव गुप्ता। आई कम बैक अगेन विद अ न्यू लेक्चर। सो दिस इज बेसिकली पार्ट टू ऑफ द लेक्चर एक्सरसाइज 8.4। वी ऑलरेडी डिड इट्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज द नीड ऑफ द आइडेंटिटीज यूज इन दिस एक्सरसाइज। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। So before to start the video, I request everyone, please listen to me very carefully and please watch the video from start to the end. So this is the part 2. So I'm going to discuss again, revise the basic identities. Identities number 1 kya thi aapki? Tangent theta is equal to sin theta upon me cos theta. Second identity is what? साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलता है? 1। इसका मतलब यदि आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है तो उसको रेसिप्रोकल उल्टा करने से क्या मिल जाता है आपको? कोसेकेंट। और सिमिलरली यदि कोसेकेंट थीटा है उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? साइन। ये आइडेंटिटी यही शो करते हैं। यदि साइन की वैल्यू निकालना चाहते हो आप तो साइन थीटा को आपको यहीं पे रखना है तो कोसेकेंट थीटा कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो ये बना कौन में क्या बन गया? cosecant theta। इसका मतलब cosecant theta का reciprocal क्या होता है? sin theta। ऐसे यदि आप cosecant theta की वैल्यू निकालना चाहते हो तो cosecant theta is equal to क्या हो जाएगा? इसको यहीं पे रखो, sin को नीचे ले जाओ तो 1 upon में sin theta। तो इसका मतलब क्या देखा आपने? sin theta और cosecant theta दोनों एक दूसरे के reciprocal होते हैं। तो यदि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे cosecant theta है तो आप उसको 1 upon में sin theta लिख सकते हो, और यदि लेफ्ट हैंड साइड पे साइन थीटा है और राइट हैंड साइड पे आपको कोसेकेंट थीटा चाहिए तो आप उसको 1 अपॉन में कोसेकेंट पे लिख सकते हो। ऐसे ही कोस और सेकेंट को लिख सकते हो, टेंजेंट और कोट को लिख सकते हो। और ये तीन आइडेंटिटीज जो आपको पहले से ही पता है, क्या आइडेंटिटीज थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंट स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज व्हाट? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। हमने ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं वेरी डिटेल में, और मैंने ये भी सिखाया था आपको कि इन सब को विदाउट लर्निंग क्रैमिंग कैसे याद करना है, कैसे माइंड में इसकी इमेज बनानी है, कैसे इसको ऐसे गेम की तरह लेके चलना है, तो ये क्वेश्चन कितने इजी बन जाते हैं, बहुत इजी। तो ये आपने वो वीडियो नहीं देखी हो सो प्लीज गो टू माई प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 1, तो आप उसको जरूर देखिएगा फिर आप इससे स्टार्ट करिएगा। सो जिनने ये वीडियो देख चुके हैं पहले पार्ट 1, उनके लिए ये पार्ट 2 है, तो विल डू कंटिन्यू। सो अगेन यदि आपने आइडेंटिटीज कहीं पेज पे लिखी है वो भूल गए तो इनको फिर से एक बार लिख लीजिए। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट। इसका मतलब कि 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है? कोई रट्टाफिकेशन तो करना नहीं, हमें प्रॉपर रीजन भी पता होना चाहिए व्हाई इट इज। तो आप लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब कहता है चूज द करेक्ट, आपको दिया हुआ 9 secant square a माइनस में 9 tangent square a। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले कि ये secant square और tangent square कहां मिलता है, कहां मिल रहा है? ये रहा जहां टेंजेंट भी है और क्या है? सेकेंट भी है, यहां मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए इसको, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ हो इसी आइडेंटिटी से मैच करता है, तो हम यहीं से सोचेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से देखिए 9 तो कहीं नहीं है ना यहां पर, इसका मतलब 9 को कॉमन आउट ले सकते हैं। तो यहां से यदि हम 9 को कॉमन ले ले तो यहां क्या बचता है? secant square a माइनस tangent square a बनता ही। और इन दोनों की आइडेंटिटीज को हम पता है, हम चेक करते हैं। we know, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि 1 plus tangent square theta is equal to क्या होता है? secant square theta होता है, ये आइडेंटिटीज पता है। तो यदि हम इस टेंजेंट स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है? ये तो 1 बन जाता है। तो ध्यान से देखिए ये सेकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या है? थीटा ना, तो एंगल यहां पे सिर्फ ए है, तो सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये तो क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि 9 इंटू 1 आपका आंसर क्या आएगा?
रीजन ये हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो आपको विद रीजन आपको लिखने भी है सॉल्व भी करने हैं, सो प्लीज मेक अप नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू। अब प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे वन मार्क्स का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फोर मार्क्स का या फाइव मार्क्स का या सिक्स मार्क्स का मिलता है, क्वेश्चन यही होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ, जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ जाए या इवेल्युएट वाले क्वेश्चन आ जाए, इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला रूल होता है, यदि आपको प्रूविंग सबसे इजी करनी है तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो आप उसको चेंज करिए साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स में। आप हर फंक्शन को साइन और कोस की टर्म्स में लिखिए और उस पर जितनी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगती है उसको लगाते जाइए, सोल्व करते जाइए, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। तो जितने भी दूसरे फंक्शन है उन सबको साइन और कोस में चेंज करके सोल्व करना, ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। तो मेरे हिसाब से 70-80% क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाते हैं। तो कुछ भी नई आइडेंटिटी याद आ रही तो साइन कोस में चेंज करो और सिंपल सोल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये 1 + टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो मैं चेंज कर देता हूं इसको, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा + सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा, तो सेकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 / cos थीटा लिख सकता हूं। ऐसे 1 + कोट थीटा, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस बाय साइन, तो ये कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोसिकेंट इंटू साइन, तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो मैं इसको साइन लिख सकता हूं। यहां तक देखा आपने, तो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो उसको साइन कोस में सिंपल इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो पहला स्टेप ये है, अब आपने सारा सोल्व कर दिया, अब तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, करिए सोल्व। इस साइड के टर्म मिल जाते हैं और कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, इन सब का एलसीएम कितना आ गया, कोस थीटा, सोल्व करो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है अपन, तो क्या बन गया ये कोस थीटा + साइन थीटा + 1। जहां पे भी एलसीएम लीजिए, साइन थीटा क्या बन गया, ये साइन थीटा + कोस थीटा - 1, ये बन गया। आगे सोल्व करिए, अब ध्यान से देखिए, यहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, कैसे बन रही है, मैं यहां ब्रैकेट लिखूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, 2 + 3 + 4, मैं यहां पे ऐसे लिख दूंगा तो क्या उससे कोई मीनिंग फर्क पड़ गया, इसका मतलब ये है 2 और 3 कितने हो गए, 5 और 5 + 4 9, इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या, पहले मैं इसको एक टर्म बना लेता हूँ, पहले इसको सोल्व करता हूँ, तो ब्रैकेट कहीं पे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही चीज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस टाइप की टेक्निक आपको आनी जरूरी है। cos थीटा इसके आगे ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं + sin थीटा इसके आगे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और इस प्लस वन को मैं अलग लिखता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे जहां पे भी मैं साइन थीटा के आगे ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ और कोस थीटा के आगे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और इसको अलग लिख देता हूँ, जो डिवाइड में है उसको मैंने ऐसे लिखा, साइन थीटा है यहाँ पे डिवाइड में क्या है, कोस थीटा, इसको अलग लिखा, इतना समझ आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये तो बहुत इजी टर्म बन गए, कैसे बन गए, देखो यार, ये ए + बी, ए - बी और a + b और a - b, कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो यहां पे a ये हो गया, a यहां पे क्या हो गया, ये पूरी टर्म, और b यहां पे क्या हो गया, 1, इसका मतलब आइडेंटिटीज क्या बन गई, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो यहां अप्लाई करता हूं मैं, तो a यहां पर हमारा यहां पे क्या है, cos थीटा + sin थीटा, ये a है, तो आइडेंटिटीज क्या होती है, a + b, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर के, यही पे पढ़ाई कर रहा हूं, तो a यहां पे हमारी ये पूरी टर्म है a स्क्वायर,
माइनस दूसरी बी यहाँ पे क्या है वन, तो वन का स्क्वायर डिवाइड में इसको नीचे नीचे वाले तो मल्टीप्लाई, साइन इंटू कोस क्या होता है साइन इंटू कोस ही रहेगा, ये तो कुछ नहीं होता क्यों, क्योंकि साइन और कोसिकेंट वन होता है, साइन इंटू कोस तो कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब साइन इंटू कोस तो यही रहेगा। अब देखिए क्या बन गया, ये साइन थीटा प्लस कोस होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हाँ अब हमें कुछ रूल नहीं लगाना, तो मैथमेटिक्स में जो रूल्स आइडेंटिटीज है वही सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना, करिए सॉल्व इसको, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है कोस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं तो प्लीज मेक अ नोट, सबसे पहले इसका नोट करिए प्लीज नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड, आप सॉल्व करते हैं इसको, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है पहले क्या आएगा ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर प्लस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, हो गया सॉरी, फिर माइनस एच पी वन का स्क्वायर वन होता है वन, डिवाइड में क्या है आपके साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉल्व करिए आप देखिए ध्यान से बहुत इजी, यहां पे देखो इन दोनों का टर्म को देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, तो ये आइडेंटिटी देखो आप लिख सकते हो जो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आपको वन देती है, तो ये वन हो गया प्लस टू इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहां से वन कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आई 2 cos theta into sin theta डिवाइड में sin theta into cos theta, अब यहां से दिखाई दे रहा है sin sin से कट गया cos cos से कट गया, आपको आंसर क्या मिला 2, और 2 का मतलब क्या है आंसर c, तो आपका आंसर c। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं सर ये तो टिक द करेक्ट आंसर था, एक नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया ये तो एग्जाम में आ जाए कुछ ऐसे करेंगे, नहीं आप सबसे पहले अपने थिंकिंग को चेंज करना सीखिए। थिंकिंग क्या होती है, यदि क्वेश्चन को अटेम्प्टेशन देखी जाए तो क्वेश्चन मार्किंग जो है वो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भर जाती है, लेकिन जब आपको डायरेक्ट आंसर निकालना होता है तो उसकी मार्किंग एग्जाम में कम हो जाती है। तो यही क्वेश्चन यदि मैं कहता यही क्वेश्चन प्रूव, और यहां ऑप्शन नहीं देता, मैं कहता कि इस क्वेश्चन को प्रूव करो कि ये इक्वल टू 2 है और ये टिक था करेक्ट ना कहकर मैंने प्रूव दैट कर देता, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। तो याद रखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का मत मान के चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करी, क्या स्टेटमेंट चेंज करी, टिक द करेक्ट को हटा दिया और लिख दिया प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 और ऑप्शन हटा दिए, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में टफ लगने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि जब वह मार्किंग देखेगी ये 6 मार्क्स का है और प्रूव करना है तो डर जाओगे, अभी तो क्या है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आगे पीछे से पता कर लेते हो कि किस कौन सा आंसर है ए बी या सी, नहीं, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आपके मैक्सिमम वाले क्वेश्चन ही बन जाते हैं जब उसमें से ऑप्शन हटा दिए जाए और टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स हटा दिए जाए, तो वही क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स 5 मार्क्स के बन जाते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, ये कहता है सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इनटू में 1 माइनस साइन ए, ऑप्शंस आपको 4 दे दिए गए, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, सो प्लीज रीड द स्टेटमेंट। नाउ स्टेप वही है, नहीं समझ आता तो सबसे पहला बेसिक स्टेप कि सभी को साइन कोस में चेंज करके देखो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, हम वही स्टेप अप्लाई करते हैं, जब ये मेथड फेल हो जाएगा ना फिर हम सेकंड मेथड सोचेंगे करने की, तो पहला वही मेथड अप्लाई करते हैं। सेकंड कहां का, ये कोस का रेसिप्रोकल, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस ए, याद रखिएगा यहाँ एंगल थीटा है यहाँ एंगल ए है तो आपको ए ही यूज करना है। टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन बाय कोस, ये ऑलरेडी इसके फॉर्म में है तो इसको क्यों चेंज करना, इसको तो एज इट इज ही रखिए।
क्या आ गया इन दोनों का एलसीएम कोसिन, बिल्कुल ठीक करा आपने, 1 प्लस पे साइन ए, और यहां क्या है 1 माइनस में साइन ए, ये तो फिर देखिए क्या बन गया, एक प्लस और एक माइनस दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहा था ना मैंने पहले लेक्चर में कि ये तो हार्ट है, दिल है किसका, मैथ्स का, तो ये आइडेंटिटी तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में यूज होती है। तो क्या होता है ये ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है 1 का स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है कोस ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या है ये कोस ए। अब देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं आ रहा है, साइन स्क्वायर तो यहाँ आता है, आता है यस, यही आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, वी नो। तो हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाए तो यही फॉर्म बन जाएगी, इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया 1, इसको मूव कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस। तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल बन गया, ये तो कोस स्क्वायर के इक्वल बन गया, यस बिल्कुल ठीक है। तो इसको हटाओ, ऊपर क्या लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या है कोस ए, कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कोस इंटू कोस, दो बार है तो एक कोस एक पावर से कट गया, आंसर क्या आ गया कोस ए, और कोस ए क्या है आपका डी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। समझ आया कि कुछ नहीं करना, ये गेम है, गेम में जीतना है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, देखना किस पे है राइट हैंड साइड पे कि कौन सी टर्म करी जाए, पजल सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन गए, सिर्फ पजल सॉल्व करने की स्प्रिट लेके चलिए और तो सॉल्व करिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, आपको प्रूव करना है या कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, टेंजेंट में दिया हुआ है, कोट में दिया हुआ है, या माइनस 1 में दिया हुआ है, या सीकेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब दो ऑप्शन तो आपको टेंजेंट और कोट में ही है। और ध्यान से ऊपर दोनों को टर्म को देखो, टेंजेंट और कोट ये तो आपस में कनेक्ट होते हैं, होते हैं क्या होते हैं, यहां ध्यान से देखिए टेंजेंट इनटू कोट क्या होता है 1, तो टेंजेंट को उल्टा करने से कोट बनता है, कोट को उल्टा करने से टेंजेंट बनता है, इसका मतलब ये आपस में कट सकते हैं यदि एक को चेंज कर दिया जाए, यस यही अप्रोच यहां यूज कर रहे हैं। तो हमने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को चेंज नहीं किया, इसको एच डी सी लिख दिया, 1 प्लस कोट, कोट क्या होता है 1 बाय टेंजेंट, तो मैं इसको 1 बाय टेंजेंट लिख सकता हूं, और ये स्क्वायर में था तो स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। अब सोल्व करिए इसको, अब चेक करते हैं क्या आंसर आ सकता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और टेंजेंट का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर ए, इसका मतलब यहां पे क्या टर्म आ सकती है एलसीएम आ सकता है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड, एलसीएम कितना आ गया आपका टेंजेंट स्क्वायर ए, तो टेंजेंट स्क्वायर इनटू 1 टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये टर्म डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, करिए रेसिप्रोकल, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए ऊपर आ गया, और टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ध्यान से देखिए 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, आंसर तो एक ही होता है ना, 2 और 3 कितना होता है 5, और 3 और 2 5, और 2 और 3 भी 5, तो इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ ये टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो गई, क्या बच गया आपके पास ओनली टेंजेंट स्क्वायर ए, और टेंजेंट स्क्वायर ए ऑप्शन कौन सा है डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये मैंने आपको अकॉर्डिंग टू क्या बता रहा हूं एग्जाम में अटेम्प्ट, बाकी आप इसको जरा माइंड माइंड में भी सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, सो प्लीज मेक अ नोट।
अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 5 प्रूव क्वेश्चन। अब प्रूव वाले क्वेश्चन का सबसे मजेदार इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि क्योंकि हमें ये पता था है हमारा आंसर क्या है, तो हम कैसे तुक्का मार मार के क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इजी बन जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ तुक्का नहीं मारना, हमें एग्जैक्ट प्रूव करके दिखाएंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो पूरे नंबर लेने हैं, कहीं पे भी हाफ नंबर भी नहीं कटवाना। तो लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, फोकस किस पे करते हैं हम, जब भी प्रूव वाले क्वेश्चंस आए तो तीन टाइप से माइंड में एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करिए और सोल्व करते करते राइट हैंड साइड ले आइए, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि राइट हैंड साइड को सोल्व करिए और लेफ्ट हैंड साइड बना दीजिए, तो भी क्वेश्चन करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि हर बार आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है, जब भी आपको प्रूव वाले क्वेश्चंस करने हो तो कभी छोटी साइड को सोल्व मत करो, बड़ी साइड जो है ना, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे राइट हैंड साइड पे, उसको सोल्व करिए, क्योंकि सोल्व करके बड़ी टर्म छोटी बनाई जा सकती है, लेकिन छोटी टर्म बड़ी बनाना काफी टफ होता है। इसलिए जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई जो लार्ज टर्म है, बड़ी टर्म है, उसको सोल्व करो, चाहे वो लेफ्ट हैंड में चाहे राइट में, लेफ्ट में तो राइट के इक्वल प्रूव करो, तो राइट में तो लेफ्ट के इक्वल। और जब आपको दिखाई देता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते तो राइट हैंड साइड नहीं बन रही, तो नाराज मत हो, डरो मत, जहां तक लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई वहां तक रख दो, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करना स्टार्ट करो, और राइट हैंड साइड सोल्व करते करते क्या पता उसी पॉइंट पे दोनों मैच कर जाएं, ये दोनों मैच कर गए उस पॉइंट पे, तो भी आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। तो अलग अलग टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा टाइप बेनिफिट है। मैं यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर है, तो इसको अप्लाई करना इजी होगा, क्योंकि बड़ी टर्म यही दिखाई दे रही है, तब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। कोसेकेंट और कोट ऑप्शन में आंसर में क्या करना है, कोस और कोस की फॉर्म में, इसका मतलब हमारा ऑप्शन आंसर है साइन और कोस की फॉर्म में, यही है ना, तो आपको पता है हर टर्म को साइन और कोस में लिख सकते हो, तो आपको यही स्टेप देखना है कि राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना है, उसके टर्म्स में चेंज करना है। यहाँ कोसेकेंट और कोट है और आंसर है कोस में, कोस का मतलब क्या होता है, सिंपल साइन और कोस होता है, इसको मतलब चेंज करिए। कोसेकेंट, कोसेकेंट को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन में साइन, देखिए इसको वन अपॉन में साइन थीटा। कोट थीटा है, कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस पाई साइन, इसको लिखिए कोस पाई साइन। होल स्क्वायर है तो एच इट इज आ गया, इस दोनों टर्म का क्या सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम साइन थीटा और ये वन माइनस कोस थीटा। अब यहां पे रुकिए, क्या देखना है कि कुछ टर्म मैच हुई, यस मैच हुई, 1 माइनस कोस थीटा यहां पर है, इसका मतलब इस टर्म को आप सोल्व नहीं करना, जो टर्म मिल गई है उसको आगे क्यों सोल्व करो, क्योंकि ये तो प्रूव करना है, इसका मतलब यहां पे स्क्वायर अलग अलग कर दो, 1 माइनस कोस थीटा इसका भी स्क्वायर है ये, और ये इसका भी स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे तो एक पावर होनी चाहिए, यहाँ पे दो पावर है, इसका मतलब एक पावर कटेगी, एक पावर कटेगी इसका मतलब ऐसी टर्म हमें नीचे मिलनी चाहिए, लेकिन नीचे तो साइन है और ऊपर क्या है, कोस है। आ जाओ साइन और कोस कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, इस रिलेशन में कनेक्ट होते हैं, फिर यूज करो, आपको आपको रट जानी चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो देखो अब मैं इसमें करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज बार बार करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करा दो, क्या रीजन है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो आपको साइन चेंज करना है कोस में, तो साइन को यहीं पे रखो और इस कोस स्क्वायर को कहां ले जाओ, राइट साइड पे, तो ये बन गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना समझ आ गया। अब और देखिए ध्यान से, अब मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं यहां पर, तो ये क्या बन जाता है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा अब मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या ये मैच हुआ, नहीं, क्योंकि सेम टर्म होनी चाहिए थी 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हमेशा याद रखिए जब एक स्क्वायर में आ रहा है तो दूसरे को भी स्क्वायर में बनाइए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स यूज होगा ही होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में व्हाट, 1 को ये लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, और कोस थीटा स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा का स्क्वायर।
लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो करिए अप्लाई, ये टर्म टू एज इट इज, वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, डिवाइड में एक बार माइनस वन माइनस कोस थीटा और एक बार प्लस वन प्लस कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, एक टर्म आ गई सेम, वन माइनस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा सेम है, सर चेंज क्या है पावर, तो ये कट गई किससे, एक पावर से, क्या रह गया आपका, आपका रह गया वन माइनस कोस थीटा ऊपर आ गया और डिवाइड में क्या रह गया वन प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू रह गई। और ध्यान से देखिए, ये तो वही टर्म है जो प्रूफ करना था, इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल टू क्या बन गया हमारा, राइट हैंड साइड बन गया, कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपको ऐसे ही अप्रोच यूज कर लिया, उसको सॉल्व करना है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड सेकंड पार्ट, cos डिवाइड बाय 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको 2 secant a। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप की टर्म दिखाई देती है तो आप जनरली क्या यूज करते हो, एलसीएम यूज करेंगे, तो हम भी वही स्टेप यूज करते हैं, क्योंकि ये साइन और कोस में तो ऑलरेडी है, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसकी मल्टीप्लाई से कोस इंटू कोस क्या बन गया आपका, कोस स्क्वायर ए, प्लस ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए पूरा होल स्क्वायर बन गया इसका भी, क्योंकि दोनों टर्म क्या है सेम है, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को सॉल्व करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी स्क्वायर क्या बन गया साइन स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही बन गया, ये 2 इंटू 1 है, कभी आप समझो ये 21 है, ऐसी गलती नहीं करती बिल्कुल भी। अब क्या बन गया, ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, फिर से दो टर्म साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल गई आपको, देखो ध्यान से, और आपको पता है साइन स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर ऐड होके क्या बनता है 1, तो अब ये बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं, अब आपको इसको हटा के क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, तो मैंने इन दोनों को हटा के क्या लिख दिया 1, तो और प्लस का 1 ये एज इट इज, प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए डिवाइड बाई वट 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ये क्या बन गया 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 इंटू साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 2, तो क्या अंदर रह गया 1 प्लस साइन ए डिवाइड में व्हाट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म तो सेम है, ये कट गई, क्या रह गया 2, और यहां क्या रह गया cos a, इसको क्या लिखेंगे हम 2 एज इट इज, और ये क्या है 1 अपॉन में cos a, ऐसे लिखेंगे इसको 2 इंटू 1 क्या होता है 2 और डिवाइड बाय cos a, और आपको पता है cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड होता है ना, यहां से cos डिवाइड में जाएगा 1 बाई cos क्या बन जाएगा secant, तो ये क्या बन गया 2 secant a। और ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था, तो ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड हो गई, इजी था बिल्कुल, सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर लिया, सॉल्व हो गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, करिए स्टार्ट। ये टेंजेंट कोट और ये सेकेंट कोस सेकेंट, तो पजल वाली टर्म में अपना स्टेप पहला ही अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं सभी को चेंज कर दो साइन और कोस में, और चेक करते हैं कि क्या आता है, करो स्टार्ट। टेंजेंट को क्या लिख सकते हो साइन बाय कोस, तो ये बन गया आपका साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा डिवाइड 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो कोस बाय साइन,
cos थीटा बाय sin थीटा, और ये प्लस वन प्लस एज इट इज। फिर cot थीटा है, cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा बाय sin थीटा, फिर ये डिवाइड वन माइनस टेंजेंट, टेंजेंट फिर से sin बाय cos, sin थीटा बाय cos थीटा। इतना समझ आ गया आपको। अब नेचुरल दिखाई दे रहा है ये टर्म तो एलसीएम देने वाली टर्म है, तो इसका एलसीएम देना पड़ेगा, तो कल ये एलसीएम दीजिए इसका। तो ये टर्म एज इट इज साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा एज इट इज डिवाइड, इसका एलसीएम इसके डिवाइड में कुछ नहीं है वन, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है वन, इसका एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इसको भी एज इट इज cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा डिवाइड में एलसीएम क्या आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा। अब दिखाई दे कि टर्म कैसी है, रेसिप्रोकल होने, तो आप इसको रेसिप्रोकल करिए, क्या आ जाएगा ये sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा sin थीटा ऊपर चला जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सेम यहां पे भी सेम स्टेप करने हैं कोस बाय साइन थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई कोस थीटा रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया और ये टर्म कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ गई। अब ध्यान से देखिए कि कुछ हमें सेम सेम नजर आ रहा है, देखो ध्यान से साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सिर्फ फर्क क्या है, डिफरेंस है ना सिर्फ साइन का नेगेटिव का, तो इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो यदि आप मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो नेचुरली ये जो बाहर नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो यही स्टेप मैं यहां करता हूं। अब देखिए पहले लिख देता हूं साइन इंटू साइन क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos थीटा एज इट इज और ये sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज। अब ये प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, क्योंकि मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं, अब ये cos into cos तो क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा एज इट इज और ये क्या बन गया उल्टा हो जाएगा ना, अब ये नेगेटिव कॉमन लिया आपने sin थीटा माइनस cos थीटा। इतना समझ आ गया, सो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से देखिए यहां पे दोनों टर्म सेम हो गई, यदि मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम लेना आता है आपको, नहीं आता तो इसमें से कॉमन ले लो पहले, यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों टर्म के पास है, तो जब दोनों से ये दोनों टर्म कॉमन आ गई तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा इनके पास, ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या रहेगा इसका सिर्फ कोस थीटा, ऐसे ही बीच में साइन नेगेटिव है, ऊपर क्या रह गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या रह गया साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये जो टर्म थी दोनों की टर्म क्या ले ली हमने कॉमन ले ली बाहर कर दी। अब देखिए इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व कर सकते हो, यस ये तो एलसीएम वाली टर्म है बिल्कुल ठीक है, आप इसका एलसीएम लीजिए, तो इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब कोस है इसके पास तो साइन इंटू साइन क्या बन गया आपका साइन क्यूब थीटा, कोस इंटू कोस स्क्वायर ये बन गया आपका कोस क्यूब थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब मतलब दो टर्म का क्यूब, और दो टर्म का क्यूब किस आइडेंटिटी से मैच करता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमने पहले पार्ट में रीड कर चुके हैं, तो मैं यहां डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है a माइनस बी ब्रैकेट में दोनों का स्क्वायर ऐड करते हैं फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना इजी है ना, तो यहां अप्लाई करिए तो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, जहां पे a क्या है जहां पे a साइन थीटा है क्यूब और b क्या है आपके कोस, तो यहां पुट करो तो यहां क्या बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा,
इन दोनों का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में, और यहां पे ये टर्म और ये टर्म भी मल्टीप्लाई में, तो सेम टर्म है, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या टर्म बची आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा। तो आप ये तो आप नोट कर चुके हो, मैं इस तरफ कर दूं, इसकी कोई नीड नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगेन वही सेम स्टेप आ गया, यहां देखो फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा तो वन बन जाता है, यस। तो चेंज करो उसको, तो इसको क्या लिखोगे वन प्लस, ये वन बन गया और ये टर्म एज इट इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिवाइड में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये साइन थीटा कोस थीटा दोनों टर्म के डिवाइड में, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड में लिख दो, वन के अलग डिवाइड में लिख दिया आपने वन डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस इसको भी अलग लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एंड डिवाइड में क्या आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब दिखाई दे रहा है साइन थीटा कोस थीटा तो सेम सेम है, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, क्या मिला आपको वन मिला, तो यहां से तो आपको वन मिल गया, प्लस यहां क्या है वन बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं वन बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई वन बाय कोस थीटा, क्यों, क्योंकि वन इंटू वन वन देगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लेकिन आपको ये तो पता है ना वन अपॉन में साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है वन, साइन डिवाइड में जाएगा तो क्या बन गया कोसेकेंट, यस बिल्कुल ठीक है सोच रहे हो, तो ये क्या बन गया आपका कोसेकेंट थीटा, वन अपॉन में कोस, कोस नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा सेकेंट थीटा, तो ये क्या बन गया सेकेंट थीटा, और प्लस में वन। और ध्यान से देखिए अपना चेक करना, राइट हैंड साइड में आपको यही प्रूफ करना था, तो हो गई ये राइट हैंड साइड। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन चाहे कितना भी कंफ्यूज करने के लिए दे, आप अपने बेसिक स्टैट्स और आइडेंटिटी यूज करनी है, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएंगे, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज, ये कहते हैं वन प्लस सेकेंड ए डिवाइड बाई सेकेंड ए, और आपको प्रूव करना है साइन और कोस, इजी है बिल्कुल, दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड साइड पे साइन और कोस है, तो पहला स्टेप यही रहेगा कि हर चीज को साइन कोस में चेंज करो, करो स्टार्ट वन प्लस सेकेंड, सेकेंड को क्या लिख सकते हो वन बाई कोस, लिखो इसको वन डिवाइड बाई कोस ए, प्लस ये भी सेकेंड है तो इसको भी वन अपॉन में क्या लिखेंगे कोस ए, करिए स्टार्ट। अब दिखाई दे रहा है ये तब तो एलसीएम वाली टर्म है, तो आप इसका एलसीएम ले लो, यही ले लेता हूं उसका एलसीएम, क्या एलसीएम आ गया इसका कोस ए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन कोस ए इंटू वन, कोस ए प्लस वन इंटू वन वन डिवाइड वन बाई कोस ए। अब ये टर्म रेसिप्रोकल वाली है तो रेसिप्रोकल करिए कोस ए प्लस वन डिवाइड बाई कोस ए, ये रेसिप्रोकल हो गया कोस ए ऊपर आ गया वन नीचे, यस बिल्कुल ठीक है, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया ये भी ठीक है बिल्कुल, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा कोस ए प्लस वन। अब देखिए कुछ ना कुछ ये टर्म इससे मैच करती है वन माइनस कोस ए, यस इसको कोस ए प्लस वन को मैं वन प्लस कोस ए भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी प्रूव नहीं हुआ ये, यस क्योंकि यहां पे क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए और ये टर्म नीचे आनी चाहिए, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो, करना कैसे है देखिए ध्यान से, अब हमारे पास वन प्लस कोस ए मिल गया आपको, अब आपको डिवाइड में क्या मिलना चाहिए वन माइनस कोस ए,
ध्यान से देखिए, जब आपको टर्म का साइन चेंज करना हो उस स्टेप को क्या कहते हो, रेशनलाइजेशन। तो आप यहाँ रेशनलाइजेशन कर लिए। रेशनलाइजेशन क्या होती है कि टर्म का बीच का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो इसको जब हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या टर्म बन गई है। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी। रेशनलाइजेशन में हमेशा क्या आइडेंटिटी बनती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बनती है। इसलिए आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है यहाँ पे cos है। तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस cos a का स्क्वायर डिवाइड में। ये तो 1 माइनस cos a है, इसको मत यूज करो, इसको तो एज इट इज ही लिखो। इतना समझ आ गया। अब मैं इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करता हूं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं, दिखाई दे रहा है, यस। माइनस एच डी कोस स्क्वायर ए, इसको ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बिल्कुल ठीक है। डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए, ये भी ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहां से यूज करते हुए कितनी बार आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो कोस स्क्वायर को मूव करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। यस, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। कौन सी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यूज करके, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ वगैरह राइट हैंड साइड। तो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जो सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, उस आइडेंटिटीज को ब्रैकेट में करके बिकॉज का साइन लगा के आप उसको लिखना जरूर, क्योंकि आइडेंटिटीज के नंबर होते हैं। यदि आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर हाफ मार्क्स आइडेंटिटी का जरूर कट करेगा इन ईच स्टेप पर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है। तो 4-5 क्वेश्चन में क्या स्टेप लगाना है, कैसे सोचना है, कैसे थिंकिंग वही लगानी है। देखिए कैसे चूज करूंगा। सबसे पहले इसको मत देखो, लेफ्ट राइट हैंड साइड को देखो, यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट है, और यहाँ पे क्या है, कोट। इन सब में देखो कि इसके डिवाइड में क्या आता है, कोट को देखो, यहाँ पे डिवाइड में क्या आता है, साइन आता है ना। इसका मतलब पहला स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन को देखने का, जब यहाँ साइन प्लस कोस प्लस 1, साइन माइनस कोस माइनस दिए जाए, तो आपको राइट हैंड साइड में देखना है कि यहाँ पे इन सब टर्म में क्या डिवाइड में आता है। यहाँ पे कोट है तो कोट के डिवाइड में आता है साइन, तो इसको पहला स्टेप है डिवाइड करना है इसको साइन ए से। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में टेंजेंट और सिकेंट होता तो टेंजेंट में आपको क्या दिखाई देता है कि साइन बाय कोस, तो इक्वेशन को कोस से डिवाइड करना। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। पहला स्टेप है राइट हैंड साइड में देखिए कि कोट को होता है कोस बाय साइन, तो इक्वेशन को डिवाइड करिए बाय साइन थीटा से। तो मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं, पहला स्टेप डिवाइड करिए बाय, किससे करना है, साइन ए, बोथ दोनों को करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को करिए। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे कोस ए, न्यूमरेटर हमारी ए टर्म है, प्लस 1 डिवाइड में क्या है, साइन ए। ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या है आपके, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड में क्या है, साइन ए। आपने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया किससे, साइन से। अब इसको अलग अलग डिवाइड में लिखो, अलग अलग डिवाइड में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा कोस ए बाय साइन ए, ये क्या बन जाएगा, साइन ए बाय साइन ए, प्लस ये बन जाएगा 1 अपॉन में साइन ए। ऐसे ही यहां पे भी सेम करिए, क्या लिखेंगे इसको हम, कोस ए बाय साइन ए, प्लस इसको भी अलग अलग लिखो, साइन ए बाय साइन ए, माइनस इसको अलग डिवाइड लिखो 1 अपॉन में साइन ए। अब जो कटता है उसे कट कर दो। अब देखो ध्यान से, कोस बाई साइन,
कोस बाय साइन क्या बनता है कोट, तो कोट में चेंज कर दो इसको, तो ये बन गया आपका कोट ए माइनस साइन से साइन कट के वन पे गया, तो क्या आ गया वन प्लस वन अपॉन में साइन, देखो साइन यदि वन डिवाइड में जाएगा वन अपॉन में साइन क्या बन जाएगा कोसिकेंट, तो आप इसको क्या लिखोगे कोसिकेंट ए। ऐसे यहां पे भी सेम कोस बाय साइन कोट ए, साइन बाय साइन कट के वन बन गया और वन बाय साइन क्या बन गया आपका कोसिकेंट। ये था पहला स्टेप, आपको ये करना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको जो ये वन दिखाई दे रहा है वन को राइट साइड में मूव करिए, बीच में मत रखिए इसको, तो ये क्या बन जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन डिवाइड में कोट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस के वन। इतना समझा गया आपको? यस वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब उसको ध्यान से समझना क्या है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे यहां तक समझा गया आपको, रुकिए रुकिए, साइन चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे कोट कोसिकेंट माइनस वन ठीक है यहाँ पे, और ये ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोट और कोसिकेंट ये कौन सी आइडेंटिटी से कनेक्ट है, दिखाई दे रहा है कोट और कोसिकेंट आइडेंटिटी से कनेक्ट है, तो अब यहाँ पे हम इस वन को चेंज करेंगे एक डिफरेंट वे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अब देखो, मैं आइडेंटिटीज को यूज करना सिखा रहा हूं कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, बिकॉज मैं रीजन लिख देता हूं, वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है, तो मैं वन को यहीं पे रखता हूं, इस कोट को राइट साइड में मूव कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा, ये बन गया आपका। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि ये भी स्क्वेयर है ये भी स्क्वेयर है, और आपको पता है दो स्क्वेयर और बीच में माइनस हो तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा लिख सकता हूं। इतना समझा गया आपको, ये स्टेप समझाया। अब हम यही स्टेप यहां अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज बताता हूं कि देखिए यहां पे कोई ब्रैकेट नहीं लगी हुई, मैं यहां ब्रैकेट का यूज करूंगा नहीं तो अदरवाइज तुम प्लस माइनस में गलती करोगे। यहां पे मैं ब्रैकेट लगा सकता हूं, ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे यहां ब्रैकेट लगाऊं या नहीं लगाऊं नहीं। अब ध्यान रखना है दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है, इस टर्म को देखो, ये टर्म न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, ये टर्म न्यूमरेटर में है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना ये कहां पे अप्लाई करना है न्यूमरेटर पे, यदि यही टर्म आपकी डिवाइड में होती डिनोमिनेटर में होती तो यही कॉन्सेप्ट जो अप्लाई कर रहे हैं ना वो कहां पे अप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर में। ये याद रखिएगा कि आपका थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि राइट हैंड साइड को देखना है कि टर्म हमें न्यूमरेटर में प्रूफ करनी है या डिनोमिनेटर में, यदि न्यूमरेटर में प्रूफ करनी है तो ये भी आइडेंटिटी जो वन की आइडेंटिटी है वो न्यूमरेटर पे अप्लाई करना, यदि डिनोमिनेटर पार्ट प्रूफ करना है तो यही आइडेंटिटी डिनोमिनेटर पार्ट में प्रूफ करना। ऐसे क्यों, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, आप माइंड में याद रखिए, आपने नोट भी कर दिया होगा आपको प्रूफ क्या करना है कोसिकेंट प्लस कोट ए, मैं इसको यूज करूंगा सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं कोट ए, कोट ए को मैंने कोट ए लिखा प्लस कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए ही लिखा, ब्रैकेट सी ब्रैकेट ए लिखा माइनस, अब ये वन है ना, वन को मैं क्या लिख सकता हूं देखो ध्यान से, कोसिकेंट माइनस कोट और कोसिकेंट प्लस कोट लिख सकता हूं, तो लिखिए इसको, इसको क्या लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट, यहां थीटा था यहां का एंगल ए है तो इसको ए की टर्म में चेंज कर दूं, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए ब्रैकेट में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। इतना समझ आ गया कि मैंने इस वन को हटा के ये आइडेंटिटी ली थी क्योंकि वन की वैल्यू ये थी, अब ये अप्लाई करा यहां पे, और डिवाइड में जो टर्म है उस टर्म को चेंज नहीं करा, जो टर्म है उसी को लिखा है कोट ए प्लस कोसेकेंट ए प्लस वन। अब ध्यान से देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है ये देखो, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए और कोट ए प्लस कोसेकेंट ए दोनों में कॉमन है,
तो दोनों कॉमन को बाहर निकाल लीजिए, क्या बन गया ये कोट ए प्लस कोसेकेंट ए। जब यहां से ये टर्म कॉमन आउट हो गई तो यहां पे सिर्फ वन बच गया, तो वन माइनस ये टर्म कॉमन आउट होगी तो ये टर्म रहेगी सिर्फ कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, और जो डिवाइड की टर्म थी वो एज इट इज रहेगी कोट ए प्लस कोसेकेंट ए प्लस वन। इतना समझा गया। अब इसको और भी देखिए ध्यान से, मैं वो सॉल्व करता हूं इसको। कोट ए प्लस कोसेकेंट ए, इसको एच लिखा मैंने वन, माइनस सॉल्व करिए दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का कोसेकेंट ए बन जाएगा और ये प्लस का कोट ए। जहां तक समझा गया, इतना समझाया। सो प्लीज मेक अ नोट, हमने यहां कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी साइन में, वो एक बार मैं साइन चेक करता हूं। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, तो एक साइन की मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना कि हमने यहां पे मिस्टेक करी हुई है। यहां पे सारे प्लस नहीं थे, यहां पे एक माइनस है, तो जहां आपको ये दिखाई दे रहा है वहां चेंज कर लेना, ही ये माइनस है, तो मैं यहां चेंज कर देता हूं। अब ध्यान से देखिए कि अब मैं इसको रब कर दूं, आप प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब ये टर्म एज इट इज, डिवाइड में क्या है कोट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन। अब ध्यान से देखिएगा, वन पॉजिटिव, यहां भी वन पॉजिटिव है, कोट ए पॉजिटिव, कोट ए पॉजिटिव है, कोसेकेंट ए नेगेटिव, कोसेकेंट ए नेगेटिव है। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, इस पूरी टर्म से कट गई, सेम टर्म है, क्या बच गया आपके पास कोट ए प्लस कोसेकेंट ए, और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के आपको चार पांच क्वेश्चन आप इन योर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट यही चेंज होगी कि वो ऊपर होगी वो नीचे होगी, यहाँ कोसेकेंट कोट में था, वहां टेंजेंट और सेकेंट में था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा एक और इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है उसको भी सॉल्व करूंगा। सो फर्स्टली मेक अ नोट फर्स्ट, नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस साइन ने डिवाइड में 1 माइनस साइन ने, का क्या है आपके पास स्क्वायर रूट, और आपको ये प्रूव करना है। जब भी कोई स्क्वायर रूट में टर्म आ जाए तो एक ही मेथड सबसे बेस्ट होता है, रैशनलाइजेशन। जब भी स्क्वायर रूट में कोई टर्म मिले प्रूव करना हो तो रैशनलाइजेशन करिए ही करिए, ये सबसे इजी आसान मेथड होता है। तो यहां क्या कर रहे हैं हम, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो करिए रेशनलाइजेशन। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, इतना समझ आ गया, करिए 1 प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। अब ध्यान से देखिए, वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है, सेम टर्म है, दो बार आ गई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको स्क्वायर टर्म में लिख सकते हो, तो ये बन गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिवाइड में ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगेन क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म पूरे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से टर्म क्या हो जाती है, या पहले इसको और सॉल्व कर लो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर, फिर से वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या बनता है 1, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, साइन को वहां मूव कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया कोस स्क्वायर ए के, यस वेरी गुड। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका कोस स्क्वायर ए। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, और डायरेक्टली करिए, देखिए ये भी स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, कोस भी स्क्वायर रूट में तो ये भी कोस बाहर आ गया,
अब दो टर्म में दोनों को अलग अलग डिवाइड में लिख दो, क्या बन जाएगा, वन अपॉन में कोसेक प्लस साइन बाय कोसेक। अब ध्यान से देखिए कितना इजी है, वन अपॉन में कोस, कोस को नीचे लेके जाएंगे वन अपॉन में कोस तो क्या बन जाता है सिकेंट, तो ये सिकेंट हो गया। साइन बाय कोस, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, और यही तो आपको प्रूफ करना था। हो गया क्वेश्चन, इतना इजी था, आई होप आपको एंजॉय किया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेवंथ क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस थीटा प्रूफ करना है साइन टेंजेंट थीटा में। अब ये क्वेश्चन इतना इजी है, बहुत क्वेश्चन इजी, कैसे इसको सिर्फ सोल्व करना है और आपको आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया यहाँ पे वन और यहाँ पे टू साइन थीटा, इतना समझ आ गया। एक मिनट चेक करता हूँ ये आंसर है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, ये टू नहीं है यहाँ पे क्यूब है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लो, ये टू साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा है और ये टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये स्टेटमेंट है। तो देखो साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ वन बच गया और यहाँ क्या बच गया टू और ये बच गया साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि एक पावर कॉमन आ गई। ऐसे यहाँ पे भी कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे दो पावर बच गई कोस का थीटा की और यहाँ पे वन, ये बच गया टू एज इट इज था, तो टू एज इट इज। अब ध्यान से देखिए कि ये टर्म सेम दिखाई दे रही है, बस यहाँ साइन स्क्वेयर और यहाँ कोस स्क्वेयर है, इसका मतलब ये भी कट सकती है यदि आप इसको चेंज कर दिया जाए, आइडेंटिटी यही लगाता हूं। साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, इस कोस को राइट साइड में मूव कर दीजिए, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं। अब यही आइडेंटिटी मैं यहां यूज कर रहा हूं, साइन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस टू, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड में, ये टर्म सारी टर्म एच डी लिखते जाओ। अब सोल्व करिए इसको, साइन थीटा वन माइनस पहले टू की मल्टीप्लाई कर दो अंदर क्या आ जाएगा टू इंटू वन टू माइनस टू कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड में कोस थीटा इंटू टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, साइन थीटा वन माइनस, अब नेगेटिव सोल्व करूंगा ना साइन चेंज रहेगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, डिवाइड में आपके पास कोस थीटा इंटू टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, ये वैल्यू आ गई। अब ये और भी सोल्व हो सकती है, चलिए सोल्व इसको ये करते हैं, सोल्व साइन थीटा इंटू वन में से टू माइनस करेंगे तो ये माइनस का बनाएगा, माइनस का वन प्लस के टू कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड में क्या है कोस थीटा इंटू टू कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन। अब ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा एक स्टेप और लेंथी